नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर। आज हम ब्रायोफाइट के एक वंश जेनेरा रिक्शिया के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले दो वीडियो लेक्चर के द्वारा आप रिक्शिया के क्लासिफिकेशन व उसके हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान चुके हैं। साथ ही साथ अगले वीडियो में आपने इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या बाह्य आकारिकी का अध्ययन कर लिया है। आज हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर या जिसे कहें एनाटॉमी या हम कहें इसकी आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो सबसे पहले हम जो ये चित्र है इसे देख लेते हैं। हमने इसके ऑर्डर मार्केंशियल्स और फैमिली रिक्शियसी दोनों के अंदर एक बात पढ़ी थी कि इसकी जो आंतरिक संरचना है उसमें डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है, किसमें? फोटोसिंथेटिक और एसिमिलेटरी रीजन में, है ना, प्रकाश संश्लेषी और संचयी भागों में विभाजित होता है इसका इंटरनल टिश्यू। इसके जो आंतरिक उत्तक हैं वो दो तरीके के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी और संचयी। पहले ये डी चित्र देखिए, ये लीनियर डायग्राम है, इसका आरेखीय चित्र है। और इसमें देखिए नीचे जो पोर्शन है, वेंट्रल जो सरफेस है ना, वेंट्रल सरफेस में स्टोरेज रीजन है और जो डोर्सल सरफेस है वहाँ पर फोटोसिंथेटिक रीजन है। ये जो लकीरें आपको दिख रही हैं फोटोसिंथेटिक रीजन में, इन सब के ऊपर देखिए छोटे छोटे छिद्र मौजूद हैं और ये जो छिद्र हैं वो क्या हैं, एयर पोर्स हैं। क्या है? एयर पोर्स। तो आप इसके आरेखीय चित्र या लीनियर डायग्राम से देख सकते हैं दोनों रीजंस, फोटोसिंथेटिक और स्टोरेज, प्रकाश संश्लेषी और संचयी। अब इसी के चित्र को हम इसका सेल्यूलर डायग्राम देखते हैं। देखो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है सारा का सारा, कोई भी मैकेनिकल टिश्यू या यांत्रिक उत्तक यहाँ पर मौजूद नहीं होता, सारे के सारा क्या मौजूद है, पैरेन्काइमा। ठीक है, अब देखिए पहले हम वेंट्रल सरफेस की बात करते हैं। तो इसमें जो है स्टोरेज रीजन, ये पैरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ है, मृद्युतिक कोशिकाएं हैं और इन मृद्युतिक कोशिकाओं के अंदर कहीं भी हमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस देखने को नहीं मिल रही, अंतराकोशिक अवकाश देखने को नहीं मिलते। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद नहीं है, है ना, तो इसलिए यह सिर्फ और सिर्फ किसका काम करेगा, भोजन के संचय का काम करता है। इसका जो अंत हो रहा है वो लोअर एपिडर्मिस से हो रहा है ना, और इस लोअर एपिडर्मिस में देखिए आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं कुछ कोशिकाओं से स्केल्स बने हुए और कुछ कोशिकाओं से राइजॉइड्स बने हुए। कुछ से स्केल बन रहे हैं और कुछ से मूलाभास बन रहे हैं, और जो मूलाभास बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, कुछ स्मूथ वॉल बन रहे हैं चिकनी भित्ती वाले और कुछ ट्यूबरकुलेट बन रहे हैं गुलकीय। अगर हम ऊपर बात करें ऊपर वाली कोशिकाओं में, तो देखिए यहाँ पर आपको सभी सेल्स के अंदर ये छोटे छोटे जो डॉट्स दिख रहे हैं ना, चार बना रखे हैं, ये डॉट्स जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट हैं, इनके साथ पायरेनॉइड मौजूद नहीं होता। पायरेनॉइड क्या होता है? पायरेनॉइड वो प्रोटीन से बनी हुई संरचना है जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च को स्टोर करती है। ऐसी कोई संरचना यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही, ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट के साथ पायरेनॉइड होता है मौजूद। ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो यहाँ पर कैसे हैं, डिस्कॉइड हैं। कैसे हैं? डिस्कॉइड, ये आपको याद रखना है। ये जो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट आपको दिख रहे हैं इनमें से देखिए किसी में भी ब्रांचिंग मौजूद नहीं है, शाखाएं मौजूद नहीं है, सीधे सीधे क्रम में बने हुए हैं फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, प्रकाश संश्लेषी तंतु। इन प्रकाश संश्लेषी तंतुओं के सबसे ऊपर की तरफ देखो, जो सबसे ऊपर वाली कोशिका है वो आकार में बाकी कोशिकाओं से बड़ी है और इसके अंदर कोई भी डॉट हमने नहीं बना रखा। डॉट नहीं बना रखा मतलब इसमें क्या मौजूद नहीं है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है। तो ये जो है सबसे ऊपर वाली कोशिका, ये एपिडर्मल सेल का काम कर रही है ना। एपिडर्मिस क्यों नहीं कह रहे इसको, क्योंकि देखो ये हर एक फिलामेंट के बाद टूटी हुई है, एक एक सिंगल सिंगल है, तो ये अपर एपिडर्मिस का काम कर रही है, ऊपरी बाह्य त्वचा का। ठीक है,
इसके अंदर जो छिद्र मौजूद हैं सभी के बाद, हर एक फिलामेंट के बाद देखो जगह है, तो ये एयर चैम्बर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? एयर चैम्बर। और जो कहाँ खुल रहे हैं? डॉर्सल सतह पर खुल रहे हैं, डॉर्सल सरफेस पे खुल रहे हैं। और ये क्या मौजूद है यहाँ पर? एयर पोर, एक छिद्र मौजूद है जिससे हवा का एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में ठीक से एक बार पढ़ लें। तो पहला पॉइंट है, डॉर्सी वेंट्रल थैलस इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू डॉर्सल फोटोसिंथेटिक एंड वेंट्रल एसिमिलेटरी रीजन। रिक्षा के परिपक्व थैलस में उदरगकाठ में दो स्पष्ट क्षेत्र दिखाई देते हैं, ऊपरी प्रकाश संश्लेषी व निचला संचयी क्षेत्र। फोटोसिंथेटिक रीजन या प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र। दिस रीजन हैज़ वर्टिकल रोज ऑफ अनब्रांच फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। इस क्षेत्र की कोशिकाएं विलगित उदरक पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं। ये पंक्तियां प्रकाश संश्लेषी तंतु बनाती हैं। क्या बनाती हैं? फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। प्रत्येक प्रकाश संश्लेषी तंतु की शीर्षस्थ कोशिका को छोड़कर सभी कोशिकाएं समान होती हैं और उनमें एक बिंबाभ क्लोरोप्लास्ट होता है। ऑल सेल्स आर सिमिलर एक्सेप्ट द टर्मिनल सेल। द अपर मोस्ट सेल इज लार्जर एंड डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। रेस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द फोटोसिंथेटिक फिलामेंट कंटेन न्यूमरस डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनमें पायरेनॉइड मौजूद नहीं होते। दीज क्लोरोप्लास्ट डू नॉट हैव पायरेनॉइड्स। अब आगे चलते हैं। उदर्ग प्रकाश संश्लेषी तंतुओं के बीच संकीर्ण, जैसे कि रिक्षिया मेलेनोस्पोरा में, अथवा चौड़े जैसे कि रिक्षिया रोबेस्टा में वायु कोष्टक एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं। ठीक है, दीज सेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एयर चैम्बर्स। वायु कोष्ठक थैलस की अपाक्ष सतह पर स्थित वायु छिद्रों द्वारा बाह्य वातावरण से संबंध रहते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण के समय गैस का आदान प्रदान करने में सहायक होते हैं। ठीक है, ये बात आपको पहले बता दी है कि डॉर्सल सरफेस पर सिंपल एयर पोर होता है, विक्षेपण गैसियस एक्सचेंज। अब आगे चलते हैं, हम स्टोरेज रीजन की बात करते हैं, संचयी क्षेत्र। संचयी क्षेत्र कहाँ मौजूद है? वेंट्रल सरफेस पर। ठीक है, अभ्यक्ष भाग में मौजूद है। यह संहत रूप से व्यवस्थित पैरेन्काइमल कोशिकाओं द्वारा बना होता है ना? ये फोटोसिंथेटिक रीजन के नीचे मिलता है और कॉम्पैक्टली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल से मिलता है। पहले भी हमने डायग्राम में बात की थी, इंटर सेल्यूलर स्पेसिस देखने को नहीं मिल रही, अंतरा कोशिकीय अवकाश यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। संचयी क्षेत्र करता क्या है? इन पैरेन्काइमेटस सेल में स्टार्च को स्टोर करता है। ठीक है, स्टार्च को संचयन करता है। इसकी सबसे जो निचली परत है, इनर मोस्ट जो लेयर है, लोअर जो लेयर है, वो क्या बनाती है? लोअर एपिडर्मिस, है ना? क्या बनाती है? निचली बाह्य त्वचा। और ये जो निचली बाह्य त्वचा है, इससे राइजॉइड्स और स्केल्स बनते हैं। ठीक है, ये बात भी हम पहले चित्र द्वारा देख चुके हैं। इसके अलावा एक पॉइंट होता है, इसकी शीर्ष वृद्धि या एपिकल ग्रोथ कहाँ से होती है बेटा? हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि यह जो शीर्ष वृद्धि है वो शीर्ष खांच या एपिकल नॉच के द्वारा होती है। ये जो एपिकल नॉच है वो किससे प्रोटेक्टेड रहती है? स्केल्स से, स्केल्स से ढकी हुई होती है शीर्ष खांच। ठीक है, इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो शीर्ष कोशिकाएं हैं, जो एपिकल सेल्स हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। और ये क्या करती हैं? यह बार बार डिवाइड करती हैं, कैसे? VLS। अगर VLS काट के देखें, उदर अनुदैर्ध्य काट देखें, तो ये कैसी कोशिकाएं? त्रिभुजीय, ट्रायंगुलर हैं। और अगर HLS काटें, क्षैतिज अनुदैर्ध्य काट काटें इसका, तो ये आयातकार दिखाई देती हैं, रेक्टेंगुलर दिखाई देती हैं।
ठीक है। ये क्या करती हैं? अपाक्ष और अभ्यक्ष, डोर्सल और वेंट्रल जो लेयर है उसे एकांतर क्रम में काटती हैं, ठीक है, सक्सेसिवली डिवाइड करती हैं, ऑल्टरनेट डिवाइड करती हैं, और सारी की सारी कोशिकाओं को ये क्या बनाती हैं, ऊपर की तरफ फोटोसिंथेटिक और नीचे की तरफ स्टोरेज रीजन बनाती हैं। तो ये है इसके एपिकल ग्रोथ या शीर्ष वृद्धि के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। यहाँ पर जो जनन है वो दो प्रकार से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक जनन, और दूसरा प्रकार क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन। तो कायिक जनन की बात करें तो सबसे पहले प्रकार जो विधि है वो है थैलस की प्रगामी मृत्यु एवं गलन द्वारा, बाय प्रोग्रेसिव डेथ ऑफ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट ऑफ थैलस। नाम से ही क्लियर है, जैसे जैसे जो मेच्योर थैलस है, परिपक्व थैलस है, वह ओल्ड हो जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, उसका पश्च भाग धीरे धीरे सड़ने लगेगा या गलने लगेगा या मृत हो जाएगा। तो जो एपिकल नॉच है, द्विभाजी बिंदु जो है, या जिसे हम क्या कह रहे हैं, शीर्ष वृद्धि, शीर्ष खांच, यह जो है क्या करेगा, जो वहाँ पे, वहाँ पे जाके दोनों शाखाएं अलग होती हैं, वहाँ से नई शाखा का नया थैलस बना देगा। दूसरा, एडवेंटिशियस ब्रांचेस द्वारा, अब स्थानिक शाखाओं द्वारा, ये जो अभ्यक्ष सतह है उसमें क्या होता है, कुछ अब स्थानिक शाखाएं डेवलप हो जाती हैं, ये मृत थैलस से अलग होकर नए थैलस को बनाती हैं, ठीक है। वेंट्रल सरफेस पे क्या बन जाएंगे, एडवेंटिशियस ब्रांचेस, और जब बाकी पेरेंट थैलस जो है वो डेड हो जाएगा तब वो नया प्लांट बना लेंगे। जलाभाव में अगर थैलस की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, अगर ड्रॉट कंडीशंस में, है ना, अकाल के समय अगर हो गई डेथ, तो क्या होगा, अग्रभाग का जो वृद्धि क्षेत्र है उसको छोड़ के बाकी थैलस नष्ट हो जाएगा, और जैसे अनुकूल परिस्थितियाँ आएंगी, फेवरेबल कंडीशन आएंगी, तो ये जो एपिकल नॉच है वापस क्या करेगा, न्यू थैलस बना देगा, नया थैलस बनाएगा। फिर इसके अंदर ट्यूबर के द्वारा जो है वो भी वृद्धि हो सकती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। ये ट्यूबर कहाँ पे बनेंगे, यह है पेरिनेटिंग ऑर्गन्स हैं, चिरकालिक कायिक संरचनाएं हैं, और ये जो ट्यूबर बनेंगे ये क्या करेंगे, शाखाओं के शीर्ष पर होते हैं, एपेक्स में बनते हैं, और एपेक्स में बनने के बाद ये अनुकूल परिस्थितियों में नया थैलस बना लेते हैं। मूलाभास या राइजोइड्स द्वारा, राइजोइड क्या करेंगे, खंडीभवन तथा पुनरावृत विभाजन से, सेगमेंटेशन एंड रिपीटेड डिवीजन से एक सेल्युलर मास बना लेते हैं, कोशिकीय पिंड बना लेते हैं, और ये जो कोशिकीय पिंड या सेल्युलर मास है वह समय आने पर एक नया थैलस बनाता है। ये जो पांच तरीके हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन के, इसके बारे में आप ठीक से लिख लें और याद करें, क्योंकि इस पर एक शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है। धन्यवाद।